अब हम बात करते हैं माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट की। हमने कहा था एनवायरनमेंट एक माइक्रो छोटा होता है, एक मैक्रो होता है। मतलब अगर आपका ये बिजनेस है तो बिजनेस का एक तो होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, ये अंदर होता है। एक होता है आपका ये इमीडिएट वाला माइक्रो, और एक होता है आपका उसके बियॉन्ड वाला जिसको हम कहते हैं मैक्रो। तो ये बड़ा वाला बाहर वाला जो है वो मैक्रो है, और जो ये छोटा वाला अंदर वाला है ये माइक्रो है, और उसके अंदर जो है वो हमारा इंटरनल है, वो हमारा इंटरनल होता है। तो आइए बात करते हैं माइक्रो, जो कि बिजनेस की बाउंड्री के इमीडिएट बाहर है, उसके बाद बात करेंगे अपन मैक्रो की। आइए बात शुरू करते हैं माइक्रो और मैक्रो से। एनवायरमेंट इन विच ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट ऑपरेटिंग इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जो कि इंटरनल एनवायरमेंट में होती है। तो अच्छे से समझ लो, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट होती है एक्सटर्नल में, स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है हमारी इंटरनल में। बिजनेस स्ट्रैटेजी शुड ऑलवेज बी एडिक्वेटली इन्फॉर्म्ड ऑन द डेवलपमेंट अकरिंग इन द कंपनी, इट इज इंडस्ट्री एंड विद इन द माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस। फॉर मेकिंग एनी स्ट्रैटेजिक डिसीजन देयर शुड बी एबल टू कॉम्प्रहेंड द फैक्ट एंड अवेलेबल एंड चेंजेस द अंडरलाइंग अजम्पशन। द एक्सटर्नल एनवायरमेंट कैन बी कैटेगराइज इन टू टू मेजर वेज, माइक्रो एंड मैक्रो। तो ये जो हमारा एनवायरमेंट है ये कौन सा वाला है? एक्सटर्नल एनवायरमेंट है। इंटरनल तो अंदर होता है कंपनी के। तो ये हमारा कौन सा है? ये हमारा कौन सा है? बाउंड्री के बियॉन्ड। ये बाउंड्री के बियॉन्ड जितना भी हमारा वो कहलाएगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये कहलाएगा हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कंपनी के जो अंदर होता है वो कहलाता है इंटरनल एनवायरनमेंट, कंपनी की बाउंड्री के बियॉन्ड जितना होता है वो कहलाता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो आइए एक्सटर्नल के दो तरीके देख लेते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। आइए सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो की। माइक्रो एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू स्मॉलर एरिया और इमीडिएट पेरिफेरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। रिलेटेड टू स्मॉल है या इमीडिएट पेरिफेरी है, क्लियर है? माइक्रो जो है वो किससे रिलेटेड है? माइक्रो इज रिलेटेड टू स्मॉल एंड इमीडिएट पेरिफेरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बिजनेस के बियॉन्ड निकलते ही जो चीज होती है उसे माइक्रो कहते हैं। इस माइक्रो में कौन आएगा? इस माइक्रो में आएंगे, इस माइक्रो में कौन आएगा? इस माइक्रो में आता है कस्टमर्स, इस माइक्रो में आते हैं कॉम्पिटिटर्स, इस माइक्रो में आता है मार्केट, इस माइक्रो में आता है सप्लायर, इस माइक्रो में आता है इंटरमीडिएटरी। ये हमारे इमीडिएट एनवायरनमेंट है जो बिजनेस की बाउंड्री के बियॉन्ड शुरू हो जाया करता है, क्लियर है? उसके बाद आता है एक्सटर्नल मैक्रो। ये जो एक्सटर्नल मैक्रो होता है हमारा हरे कलर वाला, इसमें क्या क्या होता है देखो, इस मैक्रो में क्या क्या होता है देखें, इस मैक्रो में क्या क्या होता है? इसमें होती है इकोनॉमिक कंडीशन देश की, इसमें होती है पॉलिटिकल लीगल, इसमें होती है टेक्नोलॉजी, इसमें होता है ग्लोबल, इसमें होता है सोशो कल्चर, ठीक है? इसमें होती है डेमोग्राफी। ये सारे हमारे मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर है। मैक्रो मतलब बड़े, बियॉन्ड आर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में नहीं है। और ये इंटरनल माइक्रो एक्सटर्नल माइक्रो वाले जो होते हैं ये कुछ हद तक कंट्रोलेबल होते हैं, और इंटरनल वाले तो हमारे कंट्रोल के अंदर ही होते हैं। तो इमीडिएट जो आपकी बाउंड्री के बियॉन्ड है वो माइक्रो है, और उसके बाहर और जो बाहर है उसे अपन एक्सटर्नल मैक्रो कहते हैं। बात आई क्या सबको समझ में? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ?
क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके आगे बढ़ते हैं। तो माइक्रो जो होता है इट इन्फ्लुएंसेस द ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली एंड डायरेक्टली। जो माइक्रो वाला होता है, माइक्रो इन्वायरमेंट जो होता है वो रेगुलरली और डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। माइक्रो इन्वायरमेंट जो है, जयेंद्र महाले कह रहा है आ रही है, आर्या है, आर्या है, पूरा कुछ आर्या है, बहुत अच्छी बात है। माइक्रो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ सप्लायर, कंज्यूमर्स, मार्केटिंग इंटरमीडिएटरी, कॉम्पिटिटर, जो मैंने बताया। दीज आर स्पेसिफिक टू द सेट बिजनेस इन द फर्म एंड इफेक्ट इट्स वर्किंग इन द डायरेक्ट एंड रेगुलर बेसिस। ये जो माइक्रो इन्वायरमेंट होता है ये स्पेसिफिक होता है, मतलब अगर टाटा मोटर का जो माइक्रो इन्वायरमेंट है वो टाटा मोटर के लिए स्पेसिफिक है ना, वो किसी और के लिए जरूरी नहीं है वैसा हो, और उसको वो डायरेक्ट और उसको वो रेगुलर बेसिस पे इफेक्ट करता है। ये एमसीक्यू का सवाल हो सकता है कि क्या आपका माइक्रो एनवायरनमेंट आपके लिए स्पेसिफिक है? बिल्कुल स्पेसिफिक है। क्या वो आपको डायरेक्ट और रेगुलर बेसिस पे इफेक्ट करता है? हाँ करता है। विद इन द माइक्रो और इमीडिएट एनवायरनमेंट, माइक्रो को हम एक और नाम देते हैं इमीडिएट एनवायरनमेंट। फर्म ऑपरेट वी नीड टू एड्रेस द फॉलोइंग इश्यूज। तो हमारे सामने कौन से इश्यूज हैं, इंपॉर्टेंट सवाल, हमारे सामने कौन से इश्यूज हैं माइक्रो एनवायरनमेंट में? पहला, द एम्प्लॉयज ऑफ द फर्म, देयर कैरेक्टरिस्टिक एंड हाउ दे आर ऑर्गेनाइज। कितने एम्प्लॉय हैं, कितने उसमें से टेक्निकली साउंड है, कितने उसमें से स्किल्ड है, कंपनी के प्रति उनका रवैया क्या है, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। द एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस ऑन द फर्म रिलाइज, हमारे कस्टमर कितने हैं, वो कस्टमर छोटे कस्टमर हैं कि इंस्टीट्यूशनल कस्टमर हैं, उनसे हमको कितने कितने अमाउंट की सेल मिल जाती है, साल भर में कितना बड़ा चंक इन कस्टमर से हमें सेल के तौर पे, प्रॉफिट के तौर पे आता है। द वेज इन विच फर्म कैन रेज द फाइनेंस, मेरे ख्याल से आपके लिए नया नहीं है, ये आप बीसीके में फाउंडेशन में पढ़ के आए और इवन बीएसटी में भी आपने काफी हद तक इसे पढ़ा है, तो नई बात नहीं है, उसी का रिविजन हो रहा है आपका। वॉट आर द फर्म सप्लायर एंड हाउ दे आर लिंक, कितने सप्लायर हैं आपके पास में? तो सबसे पहली चीज एम्प्लॉय है, दूसरा एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है, तीसरा हम कितने तरीके से फाइनेंस रेज कर सकते हैं, चौथा फर्म के सप्लायर कौन है, पांचवा लोकल कम्युनिटी विद इन, कम्युनिटी विद इन कैसे ऑपरेट करती है, फिर हमारे डायरेक्ट कंपटीशन में कौन है, ये सब चीजें हम पर फर्क डालती हैं माइक्रो एनवायरनमेंट में। इन इश्यूज को हमें समझना होगा, क्या करना होगा, इन इश्यूज को हमें समझना होगा, इन इश्यूज को हमें समझना होगा। बात आ रही समझ में सबको? इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। द फैक्टर्स इन द माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफन रिलेट टू द ऑर्गेनाइजेशन टू द मैक्रो इश्यूज। ये माइक्रो वाले मैक्रो पे भी जाके फर्क डालते हैं, ठीक है। अब मैक्रो क्या होता है, द मैक्रो एनवायरनमेंट इज द पोर्शन ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। मैक्रो वाला जो होता है हमारा वो आउटसाइड वर्ल्ड है, दैट सिग्निफिकेंटली इफेक्ट हाउ द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट। ये इफेक्ट करता है सिग्निफिकेंटली, बट टिपिकली मच बियॉन्ड द डायरेक्ट कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंसेस। ये हमारे नियंत्रण में नहीं होता है, मैक्रो वाला हमारे नियंत्रण में नहीं है। क्यों नियंत्रण में नहीं है? क्योंकि मैक्रो में देखो क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री आप डिसाइड नहीं कर सकते ना आप नियंत्रित कर सकते हैं, पोलिटिकल लीगल स्टेट ऑफ द कंट्री, टेक्नोलॉजी इन द कंट्री, ग्लोबल इन्वायरमेंट, ठीक है, सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट ऑफ द कंट्री, डेमोग्राफी, पॉपुलेशन साइज कितनी है, ये एथनिक मिक्स कितनी है, ये सब पे हमारा नियंत्रण है नहीं। एक इंडिविजुअल का या एक बिजनेसमैन का इस एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरमेंटल के फैक्टर्स पे कोई नियंत्रण नहीं है। हाँ हम कह सकते हैं एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरमेंट के फैक्टर्स का आपके बिजनेस करने के तौर तरीकों पे और आपके एनवायरमेंट पे उसका फर्क है, सीधा फर्क है, सीधा फर्क डालता है वो आपको, लेकिन आप उसे नियंत्रित नहीं कर सकते, आपके बियॉन्ड द कंट्रोल है। बात आ रही है क्या समझ में आपको? इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर?
क्या ये आपको समझ में आ रहा है जो बत्रा सर आपको समझा रहा है? वाह, क्या पैरोडी बन गई। क्या आपको समझ में आ रहा है जो बत्रा सर आपको समझा रहा है, या आप हमसे कुछ नहीं पा रहा है जबकि हम आपको बहुत कुछ देने की कोशिश कर रहा है? आहा, क्या काफिया मिलाया है, पा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो माइक्रो मैक्रो आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन मैक्रो एनवायरनमेंट हैज ब्रॉडर डायमेंशन। ब्रॉडर डायमेंशन किसकी होती है? मैक्रो की, है ना। और इमीडिएट वाली किसकी होती है? माइक्रो की। ये सब याद रखना, ये एमसीक्यू के सवाल है, इसके कीवर्ड्स हैं। इट कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन, सोशो कल्चरल, टेक्नोलॉजी, पोलिटिकल, लीगल फैक्टर। मैंने ये सब बता दिया आपके। तो क्या क्या चीज़ों से कंसिस्ट करता है, ये बियॉन्ड द कंट्रोल है। द क्लासिफिकेशन ऑफ रेलेवेंट एनवायरमेंट इन टू कंपोनेंट और सेक्टर हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू कोप विद द कॉम्प्लेक्सिटी एंड डिफरेंट इन्फ्लुएंसेज ऑपरेटिंग एंड रिलेटिंग टू द एनवायरमेंट दैट आर चेंजेस इन द मैनेजमेंट प्रोसेस। तो ये आपके स्ट्रेटेजी बनाने के प्रोसेस पे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करने के तरीकों पे फर्क डालता है। द एनवायरमेंट इंक्लूड फैक्टर आउटसाइड द फर्म, और ये सारे फैक्टर आउटसाइड होते हैं, विच कैन लीड टू द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट टू द फर्म। ये अपॉर्चुनिटी और थ्रेट बनाते हैं फर्म के लिए। ऑल दो देर आर मैनी फैक्टर, एक नहीं होता, कई होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द फैक्टर आर सोशियो इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, गवर्नमेंट। ऐसा किसने कहा है? ग्लूक एंड जाच ने कहा है। ऐसा किसने कहा है? ग्लूक एंड जाच ने कहा है। इंपॉर्टेंट है, इस पर एमसीक्यू में सवाल आ सकता है कि ग्लूक एंड जाच ने किनको बताया है। तो ग्लूक एंड जाच ने मैन्युफैक्टर बताया, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सोशियो इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, गवर्नमेंट। बात आई क्या सबको समझ में? इज इट क्लियर? ये आउटसाइड है, ये सारे के सारे फैक्टर कौन से हैं? आउटसाइड द फर्म है, मैक्रो इन्वायरमेंटल है। तो बेसिकली आपको हम लोग सीए फाउंडेशन का बीसी के चैप्टर नंबर 2 रिवाइज करा रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में माइक्रो मैक्रो, उससे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, शॉर्ट एनालिसिस, पेस्टल एनालिसिस, ये सब चीजें अपन पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर। क्लियर है? तो बीसीके का चैप्टर नंबर 2 आप कह लो आपके चैप्टर नंबर 2 में एक पोर्शन है, ठीक है। हाँ, ये पढ़ा, मेरे पास पढ़ा है बेटा, मैं बीसी के भी पढ़ाता था ना, ये देखो मैं ये पढ़ाता था बीसी के, तो मेरे पास भी पढ़ा है बेटा, ये पढ़ा चैप्टर नंबर 2, देखो ये सारी चीजें पढ़ाई हुई हमने आपको फाउंडेशन के लेवल पे, याद आ रही है सारी। अब ये नए कोर्स में बदल के बिजनेस एनवायरमेंट हो गया है, तो वहां भी इनका डिस्कशन होता है, वहां भी इनका डिस्कशन होता है। चलिए आगे बढ़े। द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिसमें माइक्रो मैक्रो दोनों आते हैं, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ ऑल द इंडिविजुअल टीम्स, ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसीज एंड फैक्टर दैट रूटीनली इंटरैक्ट विथ वाइल कंडक्टिंग द बिजनेस। इन एडिशन टू कैरिंग आउट द ट्रांजेक्शन, इट डेवलप्स एंड पुट्स इन टू एक्शन विच आर पर्टिनेंट टू प्लान एंड पॉलिसीज। इट नेगोशिएट वेज टू द फ्यूचर एज वेल। तो ये लगातार परिवर्तन जो हो रहे हैं उससे हमारी स्ट्रेटजीज में अंतर आते हैं, उससे हमारे काम करने के तरीके पे फर्क पड़ते हैं, हमारे स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का तरीका सुधरता है। तो आओ हम एक्सटर्नल मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल में,
और एक्सटर्नल में भी पढ़ रहे हैं मैक्रो, ठीक है। और मैक्रो में सबसे पहला फैक्टर है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? आपकी पॉपुलेशन कितनी है, उसकी साइज क्या है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या है पॉपुलेशन का, एथनिक मिक्स क्या है आपका, सोशो है ना, फैक्टर्स कैसे हैं इसमें। डेमोग्राफी आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। डेमोग्राफी किसको कहते हैं अपन? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन दैट हैव बीन क्लासिफाइड एंड एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू द सर्टेन क्राइटेरिया सच एज एज, जेंडर, इनकम, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं? एज कैसी है लोगों की, मतलब यंग पॉपुलेशन है, ओल्ड है, जेंडर, मतलब जेंडर बायसनेस है क्या, बराबर पॉपुलेशन है कि मालूम पड़ा मेल पॉपुलेशन ज़्यादा है फीमेल कम है, या फीमेल ज़्यादा है मेल कम है, इनकम कितनी है उनकी पर कैपिटा इनकम, इन सबको हमें समझना होगा। तो डेमोग्राफी बताती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन की एज क्या है, पॉपुलेशन मिडिल एज है, पॉपुलेशन की एज जो है यंगर है, पॉपुलेशन की एज ओल्डर है, चाइना ओल्डर एज पॉपुलेशन है, भारत यंगर पॉपुलेशन है। जेंडर है ना, जेंडर जैसे भारत में क्या पहले लड़कियों को मार दिया जाता था, कई सीरियल भी आपने देखे होंगे है ना, पानी में डाल के दूध में डाल के गाड़ देते थे, तो आजकल ऐसा नहीं है, अब जेंडर बायसनेस थोड़ी कम हो रही है, लेकिन फिर भी हम पाते हैं लड़कों की संख्या भारत में ज़्यादा है लड़कियों के मुकाबले, तो जेंडर इनइक्वलिटी हमारे यहाँ पे। और तीसरा है इनकम, इनकम में भी इनइक्वलिटी है ना, भारत में अलग अलग इनकम ग्रुप रहते हैं, कुछ बहुत ही सुपर रिच है और कुछ बहुत ही गरीब है, तो इन सबको हम डेमोग्राफी में समझते हैं। क्लियर है? चलिए, तो डेमोग्राफी एनालिसिस कंसीडर फैक्टर्स सच एज रेस, एज, इनकम, एजुकेशन, कितने पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, प्रोफेशन, और उनके पास एसेट क्या है, हाउस ओनरशिप, जॉब पोजीशन, रीजन, डिग्री ऑफ एजुकेशन, इन सबको हम अध्ययन करते हैं, और उसके बाद बताते हैं कि ये पॉपुलेशन हमारे लिए कितना फायदेमंद होगी अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बेचने के लिए। डेटा अबाउट द क्वालिटीज अक्रॉस द होम्स एंड विद इन द डेमोग्राफिक वेरिएबल आर इंपॉर्टेंट टू द बिजनेस एंड इकोनॉमिस्ट। मार्केटर्स एंड अदर सोशल साइंटिस्ट रेगुलरली डिवाइड अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन देयर डेमोग्राफी मेकअप। इंडिया हैज रिलेटिवली यंगर पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू मैनी अदर कंट्री लाइक चाइना। मैनी मल्टी नेशनल्स आर इंटरेस्टेड इन इंडिया कंसिडरिंग इट्स पॉपुलेशन एंड साइज। तो कई सारी कंपनियां, विदेशी कंपनियां भारत में आके काम करना चाहती हैं, क्योंकि भारत इस समय दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, चाइना से भी ज़्यादा, 142 करोड़ के हम हो गए, और फलों फूलों का आशीर्वाद है 150 करोड़ होते भी देर नहीं लगेगी हमें। सोचो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हर तरीके के प्रोडक्ट चाहिए, हमें बेबी प्रोडक्ट भी चाहिए, हमें मिडिल एज प्रोडक्ट भी चाहिए, हमें ओल्ड एज प्रोडक्ट भी चाहिए, हमारे को खाने पीने का सामान भी चाहिए, हमको रिक्रिएशन का सामान भी चाहिए, हमारे को लेजर का सामान भी चाहिए, हमारे को लाइफस्टाइल कपड़े भी चाहिए, हमारे को घूमने फिरने के भी तरीके चाहिए, तो हर तरीके की पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है भारत में, इसलिए भारत में अवसरों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि आपको अपनी क्लाइंटेज मिली जाएगी। लार्ज मार्केट सेगमेंट भी हो सकता है, शॉर्ट मार्केट सेगमेंट भी हो सकता है, लार्ज क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी भी हो सकता है, आपका नीश भी हो सकता है, फोकस भी हो सकता है, तो आपको अपने तरीके के मार्केट जरूर मिलेंगे, आपको केवल अपना मार्केट तलाश के अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लॉन्च करना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? डेमोग्राफी में हम क्या चीज़ों का अध्ययन करते हैं? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। कंसिडरिंग द डेमोग्राफी इज ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस फॉर एनी बिजनेस। तो डेमोग्राफी को समझना किसी भी बिजनेस के लिए ग्रेट इंपॉर्टेंस का होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन नीड टू स्टडी डिफरेंस डिफरेंट डेमोग्राफिक फैक्टर, पर्टिकुलरली उन्हें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो हम बहुत सारे फैक्टर्स का अध्ययन करेंगे और बहुत सारे इश्यूज पर ध्यान देंगे, उनमें से कुछ इश्यूज आपके सामने। पहला, वॉट डेमोग्राफिक ट्रेंड विल इफेक्ट द मार्केट साइज ऑफ द इंडस्ट्री, है ना, क्या आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है या घट रही है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी या घटेगी। दूसरा, तो मार्केट साइज पे फर्क पड़ेगा डेमोग्राफिक ट्रेंड का, डेमोग्राफिक ट्रेंड विल इफेक्ट द मार्केट साइज। दूसरा, डेमोग्राफिक ट्रेंड जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे आपके लिए अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट का। अगर पॉपुलेशन शिफ्ट हो रही है गांवों से शहरों की तरफ, तो हमारे अवसर भी शिफ्ट हो जाएंगे गांवों से शहरों की तरफ,
अब शहरों में आपको ज़्यादा अवसर मिलेंगे, गांव में रहना थ्रेटफुल हो जाएगा आपके लिए, कमाने के अवसर नहीं रहेंगे, और अगर आप शहरों में मूव कर गए तो वहाँ अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत विकसित हो रही है। दूसरा फैक्टर है सोशो कल्चरल, सोशो कल्चरल, सोशल सोशल मतलब सामाजिक ताने बाने जिसमें आप रहते हैं। क्या आपके देश में एक ही प्रकार के धार्मिक आस्था के लोग रहते हैं? जैसे दुनिया में करीब 55-56 देश मुस्लिम हैं, तो वो केवल अल्लाह को मानते हैं। अब उनमें शिया और सुन्नी या कुछ और फिरके हो सकते हैं। दुनिया में 100 के ऊपर क्रिश्चियन देश हैं, वो केवल जीजस को मानते हैं। वहां पे भी प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दो प्रकार के मतावलंबी हैं, फिर उनके अंदर फर्क हो सकता है। दुनिया में घोषित कोई भी एक हिंदू देश नहीं है, लेकिन हिंदू पॉपुलेशन सबसे ज्यादा भारत में रहती है। हमारे यहाँ वैसे तो कई तरीके के पंथ और मजहब चला करते हैं, और उनके बीच में आपस में किस तरीके का सामाजिक ताना बाना है, और वहां कैसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेचे जा सकते हैं, बिजनेस किया जा सकता है, ये सब कुछ हम समझेंगे सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट में। ये जनरल फैक्टर, ये कौन सा फैक्टर है? जनरल फैक्टर है दैट इन्फ्लुएंसेस द मोस्ट ऑफ द एंटरप्राइज। दुनिया में ये सबको इफेक्ट करता है, ये जनरल फैक्टर है और ऑलमोस्ट सबको फर्क डालता है, और वो भी सिमिलर मैनर में, अलग अलग नहीं डालता फर्क, सबको सिमिलर मैनर में फर्क डालता है। मतलब ये जनरल फैक्टर है, सारी ऑर्गेनाइजेशन को फर्क डालता है और सिमिलर मैनर में फर्क डालता है। इट रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ फैक्टर, इसके अंदर कई सारे फैक्टर हैं, जैसे सोशल ट्रेडिशन, आपके सामाजिक रीति रिवाज क्या है, वैल्यू बिलीफ सिस्टम क्या है, लेवल एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिटरेसी क्या है, एथिकल एथनिकल स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी क्या है, एक्सटेंट ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सामाजिक फैलाव क्या है, कॉन्फ्लिक्ट एंड कोहेसिवनेस क्या है। तो कई सारे फैक्टर हैं आपके सोशल ट्रेडिशन से लेके कॉन्फ्लिक्ट और कोहेसिवनेस तक। जैसे भारत एक विविधताओं का भरा हुआ देश है, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और दुनिया के सब मजहब और पंथ रहते हैं, और दुनिया भर के सारे फिरके आपको यहीं पे मिलेंगे। मतलब इस्लामिक देशों में जितने फिरके नहीं है भारत में मिल जाएंगे, क्रिश्चियनिटी में जितने क्रिश्चियंस नहीं होंगे वो भारत में मिल जाएंगे, दुनिया के सारे धर्म और पंथ मजहब भारत में मिल जाएंगे, दुनिया में हर जगह नहीं मिलते। तो भारत एक विविधताओं का भरा हुआ देश है, और उसके बावजूद हम बहुत ही कोहेसिवनेस के साथ रहते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना। और इसीलिए हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक नारा दे रखा है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास और सबको साथ लेके चलने की बात। इट डिफर्स फ्रॉम डेमोग्राफी इन द सेंस दैट इट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन बट इट इज द बिहेवियर एंड बिलीफ सिस्टम ऑफ द पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये पॉपुलेशन के काम करने का तरीका है, बिहेवियर है और उनका बिलीफ सिस्टम है। तो लोग कैसे रहते हैं, लोग कैसी चीज़ों को मानते हैं, उस पर फर्क पड़ता है। अभी आपने देखा होगा चुनावों के बाद राजस्थान में, चुनावों के बाद राजस्थान में कुछ जो हमारे MLA चुने गए, इमीडिएटली उन्होंने, है ना, खास तौर से मीट मांस की दुकानों को लेके अपना रोष जाहिर किया, और उन्हें बंद कराने के लिए सड़क पर निकल भी पड़े। उनका मानना है कि जब मेजोरिटी ऑफ पब्लिक इस मांस को या मांसाहार को खाती नहीं है, तो फिर क्यों सड़क पे उसका प्रदर्शन किया जाता है। आप अपने दुकान के अंदर कुछ भी करें हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन सड़क पे आप अतिक्रमण करके शाम को उसको बेचेंगे, तो जिन लोगों को इन चीज़ों से असहजता होती है उनका तो वहां से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। खास तौर से मैं बात कर रहा हूँ जयपुर में हवा महल क्षेत्र की, और खास तौर से मैं बात कर रहा हूँ हमारे एक नए चुने हुए MLA बाल मुकुंद जी की, है ना, जिन्होंने इमीडिएटली चुनते ही इस तरीके की प्रतिक्रिया हवा महल जयपुर क्षेत्र में व्यक्त की। तो आप देखें लोगों की सोच समझ पे हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन वो आपके बिजनेस करने के तौर तरीके पे फर्क जरूर डालते हैं, कि पहले जो आप आसानी से कर पाते थे शायद अब नहीं कर पाएंगे इस नई सिचुएशन में। सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर रिलेटेड टू ह्यूमन रिलेशनशिप एंड द इम्पैक्ट ऑफ सोशल एट्रीब्यूट एंड कल्चरल वैल्यू। तो सोशो कल्चरल जो एनवायरनमेंट होता है उसमें कई सारे फैक्टर होते हैं जो आपके आपसी रिलेशनशिप और आपकी कल्चरल वैल्यूज को दिखाते हैं, और उससे आपके ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट पे और ऑपरेशन पे फर्क पड़ते हैं।
Belief, value, and norms of the society determine how individual and organization should be interrelated, and the core belief of a particular society tend to be persistent. It is difficult for the business to change these core value, which become a determinant of the functioning. तो अगर आपके ये रोजमर्रा की जिंदगी के हिस्से हैं और आप इसी तरीके से काम करते हैं तो इस नई सिचुएशन में आपको काम करने में मुश्किल होगी, क्योंकि अब आपको लोग उस तरीके से काम करने का ऑफर या तरीका उपलब्ध नहीं करा रहे हैं जैसे अब तक आप काम करते आए, तो आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, जो आसान नहीं होता है. दिस मीन्स दैट द बिजनेस हैव टू एडजस्ट टू द सोशल नॉर्म्स, नए सामाजिक तौर तरीकों में, बिलीफ सिस्टम में अगर आपको सक्सेसफुली ऑपरेट करना है. तो अगर मेजॉरिटी के लोग नहीं चाहते, आपके एरिया के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं चाहते, तो आपको पुराने तौर तरीकों से काम करने के लिए रोका जाएगा नियम कायदों के आधार पर या दबाव के आधार पर. और आपको अगर बदलना है तो बदलना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं सक्सेसफुली चल पाना. अगर आप अपने आप को नहीं बदलेंगे तो आपकी दुकान बंद करा दी जाएगी, आपके काम करने के तरीकों को बंद करा दिया जाएगा, आपके ऊपर लीगल एक्शन लिए जाएंगे. इसलिए अगर आप अपने आप को एडजस्ट कर पाए तो इस नए सामाजिक ताने बाने में, नए तरीके में आप चल पाएंगे. द सोशल एनवायरमेंट प्राइमरली इफेक्ट द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इन द एरिया ऑफ मिशन एंड ऑब्जेक्टिव. तो आपको बदलना पड़ेगा, आपको इनके अनुसार अपने आप को बदलना पड़ेगा. तो अब तक अपन ने क्या किया है, एक्सटर्नल मैक्रो में दो चीजें पढ़ ली है, पहला डेमोग्राफी और दूसरा सोशियो कल्चर. अब हम तीसरा पढ़ेंगे इकोनॉमिक एनवायरमेंट. तो आइए तीसरे की बात करते हैं अपन, इकोनॉमिक एनवायरमेंट की बात करते हैं. इकोनॉमिक एनवायरमेंट, देश की इकोनॉमिक की स्थिति क्या है, है ना. इकोनॉमिक कंडीशंस हैव डायरेक्ट बियरिंग ओवर द ऑर्गेनाइजेशन. ध्यान रखो, इकोनॉमिक कंडीशन जो आपके देश की है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी पे. अगर देश में तेजी से बढ़ने की, ग्रोथ की संभावना दिख रही है, जैसे अभी आपको पता होगा इंटरनेशनल रेटिंग्स ने हमारे को 7 पॉइंट्स और उसके बियॉन्ड की क्रेडिट रेटिंग दी है जो चाइना से कहीं ज्यादा आगे है. तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारी बिजनेस स्ट्रेटजी पे ये पड़ेगा कि हम खुल के अपने बिजनेस की स्ट्रेटजी बनाएंगे, माल बेचने की स्ट्रेटजी बनाएंगे, क्योंकि दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश वर्ल्ड बैंक के अनुसार और दुनिया की रेटिंग एजेंसीज के अनुसार भारत है, जिसमें 7.6% की ग्रोथ की रफ्तार हमें बताई जा रही है. तो सोच के देखो, दुनिया के देशों में जितना पैसा लग रहा है वो निकल निकल के भारत की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जहां ग्रोथ होगी वहीं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का आना होता है. ऐसा अपन चैप्टर नंबर 5 और 6 में BCK में भी पढ़ के आ चुके हैं फाउंडेशन में. द इकोनॉमिक एनवायरमेंट रेफर टू द ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन. ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन आपके यहाँ क्या है अराउंड द बिजनेस एंड इंक्लूड कंडीशंस ऑफ द रीजनल, नेशनल, ग्लोबल लेवल. This encompasses the condition in the market for resources that have effect on the supply of input. कि आपके यहाँ रॉ मटेरियल कितना सस्ता मिल रहा है, आपके यहाँ जो आउटपुट निकल रहा है उसको बिजनेस में कैसे यूज किया जा रहा है, वो किस कॉस्ट पे उपलब्ध हो रहा है और आपको किस क्वालिटी और अवेलेबिलिटी का माल उपलब्ध किया जा रहा है. इकोनॉमिक एनवायरमेंट डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ द मार्केट. आपका इकोनॉमी अगर अच्छे तेजी से बढ़ रहा है तो आपके मार्केट की साइज भी बड़ी होगी और आपका मार्केट भी ग्रोथ करेगा. आप देखो हमारा शेयर मार्केट कुलांचे मार रहा है. जैसे ही देश ने रिजल्ट दिए और आपने देखा कि बीजेपी को 3 स्टेट्स में, 3 हिंदी बेल्ट स्टेट में, जहाँ मतलब 200 सीटों वाले राजस्थान में, 230 वाले मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, 90 सीटों वाले छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं हिंदी हार्टलैंड में जो है सफलता मिली, वैसे ही आपका शेयर मार्केट तेजी से आगे बढ़ने लगा, चाहे निफ्टी हो चाहे हमारा सेंसेक्स हो, नई नई ऊंचाइयां छूने लगा. तो ये बताता है कि आपके मार्केट की साइज और बड़े होने वाली है, आपको और फायदा आने वाला है. और इससे 2024 के लोकसभा इलेक्शन का भी टेम्पो सेट हो गया है कि लोग कह रहे हैं कि भाई बीजेपी आएगी और अगर बीजेपी आएगी और लगता है लोगों को मोदी रिपीट करेगा तो वर्ल्ड लेवल पे जो हमारी इमेज बनी हुई है उसका फायदा भी बिजनेस को मिलेगा. तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट और आएगा तो हमारा शेयर मार्केट और ग्रो करेगा, सोने चांदी की रेटों में और ग्रोथ आएगी, लैंड रेट्स में और हमारी बढ़ोतरी होगी, बिजनेस हमारे तेजी से ग्रो करेंगे. ये सब हमारे इकोनॉमिक एनवायरमेंट की मजबूती को दिखाता है और इससे आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी भी बहुत तेजी से
नई बनाई जाएंगी जिससे आपको बिजनेस में फायदा हो। द परचेजिंग पावर इन द इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द करंट इनकम। अच्छी है भारत में और बढ़ रही है। प्राइसेस और सेविंग हमारी अच्छी हैं। सर्कुलेशन ऑफ मनी अच्छा है। डेट एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बेटर है हमारे यहाँ। तो ये बिजनेस को काफ़ी सारे अवसर दे रहा है, नए नए माल को मार्केट में, नए नए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को मार्केट में लाने के लिए। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू कंसिडर हेयर इज टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन इन द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। तो अभी सब चीज़ें भारत के नियंत्रण में हैं। हमने G20 अभी सबमिट किया था दुनिया को ये बताने के लिए कि भारत में अवसर बहुत है ना। और साथ साथ में अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग शहरों में हमने उससे पहले कई सारी G20 के मीटिंग्स को कराया, एक कॉमन एजेंडा को सेट करने के लिए। उसका भी प्रभाव पड़ा, हमारे देश में टूरिज्म को भी बढ़ावा मिला। कई लोग वहाँ गए तो वहाँ की परिस्थितियों को जाना उन्होंने, देश को जाना उन्होंने, कितना रिचली डिवाइडेड और डिविडेंड है हमारे देश में। अलग अलग परिस्थितियों में कैसे लोग काम करते हैं, देश में पूरा विकास कैसा हो रहा है, उन्होंने हमारे शहरों के विकास को देखा। तो पता चला कि भारत धीरे धीरे अब विकासशील देश से विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 में जब देश को आज़ाद हुए 100 साल हो जाएंगे और हम एक विकसित राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो हम उसी तरफ वाकई आगे बढ़ रहे हैं। हर चीज़ में हमारे यहाँ बेटरमेंट होता चला जा रहा है, चाहे हमारे रेलवे स्टेशन जो नए फॉर्म में आ रहे हैं, चाहे हमारे एयरपोर्ट्स आप देख रहे हो, चाहे शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का सिलसिला हो, चाहे लोगों के हाथ में पर कैपिटा इनकम बढ़ने की बात हो, ये हमारे देश की इकोनॉमी को मजबूत करने की तरफ बढ़ते हुए हमारे कदम हैं। तो ऐसी परिस्थिति में देश की कंपनियां हो, विदेशी कंपनियां हो, अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजीज में बदलाव ला रही हैं। देश में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए वो देश में फैक्ट्रियां स्थापित कर रही हैं, हमारे लोगों को रोजगार दे रही हैं, और कई तरीके के प्रोडक्ट अब भारत में बन रहे हैं, कई तरीके की मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो रही है। और ये देश के एक आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ने के संकेत माने जाएंगे, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को मजबूत होने के संकेत माने जाएंगे। तो हम मैक्रो जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एक फैक्टर है, तीन चीज़ें पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा डेमोग्राफी जो कि पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक को बताती है, फिर पढ़ा हमने सोशो कल्चरल जो कि सिमिलर वे में सभी को इफेक्ट करता है, एक जनरल फैक्टर है। अब हमने बात की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की, देश के आगे बढ़ने की रफ्तार की, देश के इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, क्रेडिट रेटिंग्स, सेविंग, प्राइसेस, करंट इनकम, डेट और क्रेडिट अवेलेबिलिटी, परचेजिंग पावर ऑफ द ह्यूमन बींग्स, इन सब के फैक्टर्स को ध्यान में रख के देखी जाती है। तो क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? क्या सभी लोग इस बात को समझ रहे हैं? जरा मुझे चैट बॉक्स में बता दें। हमने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के मैक्रो इन्वायरमेंट में तीन फैक्टर डिस्कस कर लिए हैं अब तक, बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं, जिससे आपको MCQ, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और के सिनारियों में मदद मिलेगी। वो तीन कौन से थे? डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, तो दूसरा सोशो कल्चरल मतलब जनरल फैक्टर विच इज इफेक्टिंग एवरी ऑर्गेनाइजेशन इन ए सिमिलर वे, और तीसरा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजीज के ऊपर। अब अगला फैक्टर है हमारा पॉलिटिकल लीगल। मेरे हिसाब से एक नया टॉपिक है, तो अपन आज यहीं रखते हैं, कल अपन यहां से आगे शुरू करेंगे। आप क्विकली मैं रिवाइज करवा देता हूं मैंने क्या आज आपको पढ़ाया है अगले 2-5 मिनटों में, फिर इस सेशन को ये फिनिश करेंगे, कल मिलेंगे तो इतना अपन क्यूमुलेटिव रिविजन करेंगे और फिर इसके आगे बढ़ेंगे। हमने आज शुरुआत की चैप्टर नंबर 2 से, जिसका नाम था स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का अध्ययन। 6 फैक्टर हमने डिस्कस करने हैं, इसमें से आज हमने 2 की शुरुआत कर दी। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या होता है और स्ट्रेटेजी और बिजनेस एनवायरनमेंट में आपसी संबंध क्या है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे के 4 फैक्टर और डिस्कस होने हैं जो आने वाले दिनों में, अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल एनवायरमेंटल एनालिसिस, मार्केट एंड कंज्यूमर या कस्टमर एंड कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटेजी। टोटल 6 फैक्टर है हमारे, फिर से याद कर लें। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, स्ट्रैटेजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री,
इंडस्ट्री, इन्वायरमेंटल एनालिसिस, मार्केट एंड कस्टमर और कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटजी। 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं, फिर से इसको याद कर लो आप। ये 6 चीजें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। चैप्टर 1 में थे 5 फैक्टर्स, 5 सवाल, यहां पे है 6 फैक्टर, 6 सवाल। स्ट्रेटजिक एनालिसिस पहला, स्ट्रेटजी एंड बिजनेस एनवायरमेंट दूसरा, अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री तीसरा, इंडस्ट्रियल एनवायरमेंटल एनालिसिस चौथा, मार्केट एंड कंज्यूमर पांचवा, कस्टमर पांचवा, कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटजी छठा। इसमें से 2 आज हमने डिस्कस किए, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस और स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस एनवायरमेंट। जहां तक स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की बात है, हमने बताया दुनिया का कोई भी बिजनेस वैक्यूम में काम नहीं करता, वो अपने एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करता है। और एनवायरमेंट 2 प्रकार के होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। एक्सटर्नल भी 2 प्रकार के होते हैं, माइक्रो जो इमीडिएट बाउंड्री के बियॉन्ड होता है और कुछ हद तक कंट्रोलेबल है, और एक्सटर्नल जो बियॉन्ड कंट्रोल हुआ करता है, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी, इकोनॉमिक कंडीशन, पॉपुलेशन, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल लीगल और ग्लोबल एनवायरमेंट। तो हमें अपनी स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए सबसे पहले स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करना पड़ता है, और स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के लिए हमें अपने इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट के बारे में जानकारी एकत्रित करनी पड़ती है, जैसा कि चित्र से विदित हो रहा है, चित्र से दिखाई दे रहा है आपको। इसके बाद हमने बताया था, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन अपने आप में एक ऐसा टास्क नहीं है जहां मैनेजर इंट्यूशन, ओपिनियन, इंस्टिंक्ट और क्रिएटिव थिंकिंग से चलेगा। ये एक सॉलिड इंफॉर्मेशन बेस पे चला करता है जो एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट के अध्ययन से आया करता है। इसके लिए आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट स्कैनिंग करते हैं, जो कि एक नेचुरल और कंटिन्यूस इंटरेक्शन है बिटवीन बिजनेस एंड देयर एनवायरनमेंट। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है सिचुएशन की। पहला, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटेटिव कंडीशन क्या आपके सामने, और आपके सामने ऑर्गेनाइजेशन की ओन रिसोर्स स्ट्रेंथ कैपेबिलिटीज क्या हैं और आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें लिमिटेशंस भी शामिल है। 2 लिमिटेशंस हैं यहाँ पे। पहला लिमिटेशन ये है कि आपको स्ट्रेटेजिक एनालिसिस बहुत सारे ऑप्शन तो दे देता है, लेकिन ये नहीं बताता है कि इसमें सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है। और दूसरा, अपने आप में एक टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली प्रोसेस है, जिसको हमने इस डायग्राम की मदद से समझा था कि एनालिसिस और इवैल्यूएशन करते हुए 2 चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, एक्सटर्नल एक्सटर्नल और इंटरनल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस से हमारे को अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का आइडेंटिफिकेशन होता है, इंटरनल से हम अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में जान सकते हैं। 3 तरीके के इश्यूज यहाँ कंसिडर करने पड़ते हैं। पहला, स्ट्रैटेजी इज इवॉल्व ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। स्ट्रैटेजी एक दिन में नहीं बनती, इसको बनने में समय लगता है। और दूसरा, स्ट्रैटेजी के एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर के बीच में हमें बैलेंस बनाना पड़ता है, जिसे बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच कहते हैं। तीसरा, रिस्क और अनसर्टेनिटी हमेशा एग्जिस्ट करती है, उसी का ध्यान में रख के हमें अपनी स्ट्रैटेजी का निर्माण करना चाहिए, और ये हमें शॉर्ट और लॉन्ग टाइम पीरियड दोनों को ध्यान में रख के बनाना पड़ता है। उसके बाद हमने बताया था आपको स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का एक कंप्लीट गो थ्रू रास्ता, फ्रेमवर्क जिसको कहते हैं, कि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में हम एक्सटर्नल जब एनालिसिस करते हैं तो हमें कस्टमर एनालिसिस, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस और इन्वायरमेंटल एनालिसिस करना चाहिए, जिससे अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट का अध्ययन होता है। इंटरनल एनालिसिस करना चाहिए, जिसे पीडी कहते हैं, परफॉर्मेंस और डिटर्मिनेटिंग एनालिसिस। ये 2 एनालिसिस हम करते हैं किसमें, इंटरनल में, और एक्सटर्नल करने से अपॉर्चुनिटी थ्रेट ट्रेंड्स का अध्ययन होता है, और इंटरनल करने पर स्ट्रेंथ वीकनेस और प्रॉब्लम कंस्टेंट और अनसर्टेनिटी का अध्ययन होता है। उससे हम स्ट्रेटेजी आइडेंटिफिकेशन और सिलेक्शन करते हैं, जिसके 4 स्टेप है। सबसे पहले डिफरेंट स्ट्रेटेजी का ऑल्टरनेटिव को सामने रखा जाता है, फिर उसमें से बेस्ट स्ट्रेटेजी को सेलेक्ट करते हैं, फिर हम उसकी स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करते हैं, फिर हम रिव्यू करते हैं, अगर प्लान ऐसा चल रहा होता है तो लागू करते हैं, नहीं तो उसमें बदलाव किया करते हैं। उसके बाद हमने स्ट्रेटजी और बिजनेस एनवायरनमेंट का सेकंड टॉपिक पढ़ा था, कि हमारे जितनी भी बिजनेस स्ट्रेटजी बनती है उन पे एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है। तो मैनेजमेंट जब भी स्ट्रेटजी क्रिएट करती है, उसको अपने इंटरनल रिसोर्सेज का अध्ययन करना पड़ता है, अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का अध्ययन करना पड़ता है, कंसिडर करना पड़ता है। दोनों के आधार पर हम एक बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच मैनेजमेंट की बनाते हैं, स्ट्रेटजी का निर्माण करते हैं। बिजनेस का एनवायरनमेंट हाईली डायनेमिक और कंटिन्यूअसली इवॉल्व होता है, और कई सारे एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर का बना होता है। इनके बीच में क्लोज कोऑर्डिनेशन और क्लोज इंटरेक्शन के बाद ही कोई स्ट्रेटेजी का निर्माण होता है। तो बिजनेस आपको इस इन्वायरमेंटल स्टडी से कई तरीके से मदद देता है, जैसे आपकी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का अध्ययन करने में मदद करता है, आपको डायरेक्शन फॉर ग्रोथ देता है, कंटिन्यूअसली आपको सिखाता है और आपकी इमेज बिल्डिंग का काम करता है, कंपटीशन को मीट आउट करने में भी आपकी मदद किया करता है। फिर हमने मैक्रो और माइक्रो एनवायरनमेंट का अध्ययन किया था। माइक्रो इमीडिएट होता है, कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, मैक्रो बिल्कुल बियॉन्ड द कंट्रोल होता है। माइक्रो एनवायरनमेंट में हमने कई सारे फैक्टर्स का अध्ययन किया था, एम्प्लॉयज ऑफ द फर्म, एग्जिस्टिंग कस्टमर, कैसे आप फाइनेंस रेज करते हैं, फर्म के सप्लायर कौन है, फर्म कैसे ऑपरेट करती है विद इन कम्युनिटी, और डायरेक्ट कॉम्पिटिटर कौन है। फिर मैक्रो आया था, मैक्रो के तहत हमने 3 चीज़ों का डिस्कशन किया था, डेमोग्राफी पहला, जो कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन को बताता है, दूसरा सोशियो
सोशो कल्चरल जो ऑलमोस्ट सभी को सिमिलर वे में इफेक्ट करता है, और तीसरा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो आज हमने इतना ही पढ़ा था, इतना ही रखते हैं, कल आपकी शुरुआत करेंगे हम अगले फैक्टर से जिसका नाम है पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट। मैं होप करता हूँ आज का सेशन हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ही एंजॉयबल, मेमोरेबल, इंफॉर्मेटिव और यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं कल दोबारा आपको इसी समय, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर पे लगातार अपने आप को अपडेट करते रहे, पढ़ते रहे और इन लेक्चर्स की जानकारी दूसरे बच्चों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग अदर्स। थैंक यू।